नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। चैत्र नवरात्रि के दौरान आज महालक्ष्मी यानी कि दुर्गा अष्टमी मनाई गई। इस दिन दुर्गा माता के आठों स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है और इसी दिन ही व्रत का पारण कर दिया जाता है। घरों में लोग बड़ी श्रद्धा से कन्याओं के लिए हलवा पूरी छोले आदि व्यंजन बनाते हैं और अंत में पैसे और उपहार भी देते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खबर बिहार के नवादा से है, जहां शुक्रवार शाम बगोदर कल्याणी मंदिर के पास दबंगों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ रंगदारी ना देने पर धारदार हथियार से मारपीट की और ड्राइवर का मोबाइल और कंडक्टर के पास से किराए की रकम 9000 रुपए छीन लिए। साथ ही नियमित रंगदारी नहीं देने पर दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से फरार हो गए। बता दें कि घायल बस चालक और कंडक्टर ने घायल अवस्था में हिसुआ थाना पहुंचकर अज्ञात अपराधियों में पर थाने में FIR दर्ज करवाई और हिसुआ थाना प्रभारी ने पीड़ितों को जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया और उपचार के लिए हिसुआ अस्पताल भेज दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया है। क्या मामला है बताइए? मामला ये हुआ कि दो आदमी बलगंगा चढ़ा, उसके साथ भाड़ा मांगने में कंडक्टर गया, भाड़ा कारण बहस होने लगा। उसके बाद कहा कि चलो बगोदर में बताते हैं, क्या नाम था उनका? नाम हुआ जनाब हनुमान जी पाल जी मैंने, और इतना ही जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? खबर एटा से है, जहां जलेसर तहसील क्षेत्र में किसानों की 60 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। किसानों ने विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए जलेसर उपखंड अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर लिया और अधिकारी को सख्त लहजे में चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर तत्काल किसानों की सहायता नहीं की गई तो किसान कार्यालय के आगे बैठे रहेंगे। खबर कासगंज से है, जहां बीते 7 दिनों में से एक ही परिवार में लगभग 300 बार आग लग चुकी है। अभी घर के सामान में आग लगने का मामला थमा नहीं था कि इसी परिवार की लगभग 8 बीघा गेहूं की फसल में भी अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही फसल जलकर राख हो चुकी थी। दरअसल सदर तहसील क्षेत्र के रायपुर गांव में बीते 7 दिनों से एक ही परिवार के 3 घरों में 300 से भी ज्यादा बार आग लग चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को गांव में ही खड़ा करवा दिया गया है। लगातार हो रही आगजनी की इस घटना से प्रशासन भी हैरान है। इसकी हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी और SP ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। SP ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जांच के नमूने एकत्रित किए हैं ताकि जल्द ही आग लगने के कारणों का पता चल सके। फिलहाल आग लगने की घटना को ग्रामीण दैवीय प्रकोप मान रहे हैं। सर, ये रायपुर में आगजनी के संदर्भ में जो जांच की जा रही है, कोई वैज्ञानिक जांच की जा रही है उसके बारे में? देखिए, रायपुर में 3 घरों में जो 3 भाइयों के घर हैं वहाँ पे आग लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मेरे और DM महोदय द्वारा यहाँ का निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पे 24 घंटे के लिए आने वाले हमारी CFO साहब भी यहाँ पे रहेंगे। वो जो उनकी जो फायर सर्विसेज की गाड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। एक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि कुछ अगर इस तरीके के कोई एविडेंस मिलते हैं तो उसको ट्रेस आउट कर लें। फॉरेंसिक जांच की जा रही है? कराएंगे। नमूने का तक किए गए? यस मैडम। ये आगजनी की घटना हो रही है रायपुर गाँव में, आप निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं, किस तरह आपने निरीक्षण किया, क्या घोषणा की आपने? देखिए, यहाँ इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट आ रही थी तो उसके दृष्टिगत मेरे और कप्तान साहब के द्वारा आज जॉइंट निरीक्षण यहाँ किया है। हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके घटना जो स्थल है
घरों के अंदर उनके साथ मुलाकात भी की है और देखा भी है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वर्तमान में परिवार को जो धनराशि हम लोग मदद के लिए दे सकते हैं, जैसे कि इनका जो गेहूं का खेत जला है उसके संबंध में और घर के भी जो डेली आइटम इस तरह की चीज़ों में जिसमें आग लगी है उसके दृष्टिगत इनको जो मंडी समिति से और देवी आपदा के मद से जो भी सहायता धनराशि दी जानी है उसकी कार्रवाई हम लोगों ने करवा दी है, तो उनको वो सहायता धनराशि प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जो हमारी टीम्स हैं CFO की टीम पहले भी आ चुकी थी और उसके आगे भी जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो भी करवा रहे हैं। नमस्कार, खबर महोबा से है जहां जैतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लमोरा में प्रधान और गांव वासियों ने मां दुर्गा के मंदिर पर नगर भोज का आयोजन किया। इस दौरान केकेरी न्यूज संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर ग्राम पंचायत प्रधान से बातचीत की, जिस दौरान ग्राम प्रधान ने गांव में मंदिर के रहस्य के बारे में कुछ खास बातें बताई। नमस्कार दोस्तों, मैं महोबा से पवन रावत, केकेरी न्यूज जिला संवाददाता। धर्म स्थलों की बात का आज बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आज किस कहाँ पर जो नगर भोज भंडारा चल रहा है। आज सातवें का दिन है नवरात्रि का और आपने भंडारा तो देखा होगा, मंदिर भी देखे होंगे। अगर आज एक ऐसे मंदिर से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, दुर्गा माता के मंदिर में आज ग्राम पंचायत प्रधान पंडित श्री अशोक कुमार नायक जी और ग्रामवासियों के सहयोग से आज नगर भोज किया गया है। जी श्रीनगर और बेलाताल के बीच में लमोरा गांव है। लमोरा गांव के समीप ये दुर्गा माता का मंदिर है, मेन रोड हाईवे पे, और उस मंदिर में आज नगर भोज भंडारा चल रहा है। चलिए मैं आपको भंडारा दिखवाता हूँ, प्रधान जी से मिलवाता हूँ कि हर वर्ष ये नगर भोज चलता है माता जी के मंदिर में। भव्य मंदिर बना हुआ है माता जी का और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो आइए मैं भंडारा की तरफ चलता हूँ और ग्रामवासियों से बातचीत करवाता हूँ कि जो माता जी की कृपा है वो हर वर्ष ऐसी बनी रहती है। ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, जो श्रद्धालु यहाँ पर माता जी के दर्शन करने या माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो माता की कृपा ऐसी बनी रहती है दुर्गा माता की। और माता जी का मंदिर का जो रहस्य है, यहाँ के प्रधान जी है जो कि ग्रामवासियों ने प्रधान जी और माता जी का ऐसा आशीर्वाद है जो प्रधान जी को तीन पंचवर्षीय हो गया ग्राम पंचायत प्रधान बनाते। तो प्रधान जी से हम बात करेंगे और माता जी के बारे में, जो यहाँ का मंदिर का एक विचित्र रहस्य है, जो यहाँ पर नगर भोज भंडारा का हमने प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसाद भंडारा का इतना स्वादिष्ट प्रसाद, बगैर लहसुन प्याज का इतना स्वादिष्ट प्रसाद, और हम बात करेंगे प्रधान जी से। जी प्रधान जी, ये कहाँ पर जी भंडारा चल रहा है और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है श्री अशोक कुमार नायक, ग्राम प्रधान लमोरा जी। मंदिर माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है जी, बहुत पुराना, बहुत विशाल मंदिर है जी, और बहुत ही मंदिर की इतनी प्रभुता है कि उसका वर्णन कितना ही गलत तो कम है। माँ तो माँ ही होती है, माँ की कृपा सभी बच्चों पर बनी रहती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, भंडारा कराते हैं, बहुत पूजन हवन कई कार्यक्रम कराते हैं यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आज हमारा भी सौभाग्य था माता जी के दर्शन पाने का और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का, तो हमने प्रसाद भी ग्रहण किया और माता जी के दर्शन भी हमने किए। तो दोस्तों, भाइयों और समस्त नागरिकों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ सफाई और मंदिरों की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महोबा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला कबराई ब्लॉक के ग्राम पंचायत मजलवारा का है, जहां 1 अप्रैल से मंदिर, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई विद्यालय के पास देसी शराब ठेकों का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद से मंदिर हो या विद्यालय, लोग आसपास शराब पीकर बोतल फेंक देते हैं। एक तरफ जहां इसे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी इसके जरिए खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद का चुनाव सुबह से ही शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए जिले के आला अधिकारी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें बहराइच को, जिला में दोपहर 12 बजे तक
69.82% मतदान हुआ। वहीं सुबह से ही जिले के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि बहराइच के डीएम और एसएसपी स्थानीय प्रभारी निर्वाचन 2022 के मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्रता, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यहां पर मतदान जारी है और भारी संख्या में लोग आकर यहां पर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच जिले में दोपहर सुबह 12 बजे से ही 69.82% मतदान हुआ है। वहीं सुबह से ही जिले के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहराइच के डीएम और एसएसपी स्थानीय प्रभारी निर्वाचन 2022 के मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो ये खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं। तो बहराइच से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधान परिषद का चुनाव शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही भारी संख्या में लोग अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं। चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए, इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी भी केंद्र पर मौजूद हैं और वहां का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और अब इसी खबर पर हमारे साथ बहराइच से अजमल शाह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजमल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल जी। अजमल जी, क्या है वहाँ के मौजूदा हालात? जी आपको बता दूं कि एमएलसी चुनाव का जो आज चुनाव प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका था और जिले के आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए हैं और हर केंद्र पर जा रहे हैं और अपनी जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों के वहाँ बता रहे हैं और पूरी तरह से जोर डाल रहे हैं कि किसी तरह की चुनाव पर कोई भी मसला पेश ना आए, जिसको देखते हुए जैसे समाजवादी पार्टी की जो विधायक है मटेरा से, उन्होंने एक आरोप लगाया था यहाँ पर कि जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो दबाव बना रही है हमारे प्रधानों पर, बीडीसी पर। तो अच्छा, बाकी जगहों से जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी वहां पर दबाव बना रही है, कोई ऐसी चीज आई है बहराइच से सामने? नहीं, बहराइच में अभी तो ऐसी ही कोई खबर नहीं सुनने में आई है, लेकिन हम पूर्व की बात कर रहे थे कि पूर्व में इल्जाम आरोप लगाया गया था, तो उसे उसको देखते हुए जिला के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर जिलाधिकारी और एसपी, तो दोनों ही हर केंद्र पर जा रहे हैं, पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं और वहाँ के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितनी प्रतिशत वोटिंग संपन्न हो चुकी है? जी 12 बजे तक जो आंकड़ा निकल के आया है तो 69.82% मतदान हुआ है 12 बजे तक बहराइच में। बहुत बहुत शुक्रिया आजमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने का। तो बता दें आपको कि बहराइच से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही लगातार केंद्र पर भारी पुलिस बल मौजूद है ताकि चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए केकेरी न्यूज़।